उन्होंने कहा कि मैं मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, आदेश हैं कि कोई भी स्कूल का मैदान हो जहां सरकारी स्कूल का, उसमें कोई भी हिमाचल में कोई भी मतलब किसी स्कूल में नहीं करवा सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब राजनीति चाहे कोई भी पार्टी हो तो उनका हेलीकॉप्टर उतरता है, चाहे सीएम आए चाहे कोई मंत्री आए, उसके बाद जो भी अपना मंत्री आते हैं या विधायक आते हैं वो स्कूल में राजनीति का कार्यक्रम करते हैं, तो वो कैसा उसको कैसे मंजूरी देते हैं? बड़ी दुख की बात है। अगर मंजूरी नहीं, देखो ना, राजनीति वाले को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें राजनीति करने थोड़ी आए, हम तो बच्चों को मनोरंजन करेंगे। 3 साल से लेकर 10 साल बच्चे जो हैं वो मनोरंजन करते हैं, हमारी महिलाएं आती हैं, हमारे जो गरीब किसान भाई हैं वो आते हैं। बाकी स्कूल आपको बताया, देहरा में बहुत बड़ा मेला होता है, उसके बाद अभी सुनेह स्कूल में बहुत बड़ा मेला हुआ 2 दिन, और वो रनिंग में हुआ। हम तो छुट्टी वाले दिन करवाते हैं, शनिवार 3 बजे के बाद, 5 बजे के बाद करवाते हैं, और संडे को करवाते हैं 3 बजे के बाद, और कोई भी स्कूल का हम नुकसान नहीं करते हैं। अगर जो भी यहाँ गंदगी फैलती है, हम बंदे अपने लगा के जो भी खर्चा होता है पूरी सफाई की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमारा ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी आम जनता की प्रॉपर्टी है। लेकिन को लेकर बहुत विवाद शुरू हुआ है, आपके पास एप्लीकेशन लेके आए हैं और बाकी स्कूलों में भी मेले हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, 2017 में ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में CWPIL हुई थी, जिसके तहत ये डायरेक्शन दी गई थी कि स्कूल ग्राउंड में मेले का आयोजन नहीं होगा। तो जो हमारे पास एक इशू आया था कि यहाँ स्कूल ग्राउंड में मेला करना है, तो उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ही मेला आयोजन कमेटी को परमिशन मिली, बिना उसके मेले का आयोजन जो बाकी आयोजन बोल रहे हैं हुए हैं वहाँ शो को इशू किया जा रहा है, जैसे हमारे संज्ञान में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।